हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हम लेके हाजिर है आपको आर एच फैक्टर वाली क्लास। दोस्तों, अपन ने ब्लड में कई सारी चीज़ों को, उसके बाद आज है वो आर एच कारक है। तो सभी लोग, आप लोग जुड़ जाओ। हमको इससे जो पहले जो टॉपिक पढ़ा है दोस्तों, उसको जरूर देख लेना बेटी। उसी को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग यहाँ करेंगे, जो आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर लगा हुआ है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, कहीं पॉजिटिव हो रहा है कहीं नेगेटिव। तो अभी ये समझना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता कैसे है। सवाल जब आता है तो हमारे ए बी और दोस्तों हमारे पास कौन से होते हैं, हमने जिनको पढ़ लिया। ठीक है, जितने भी लोग हैं वो कनेक्ट हो जाओ भाई। ठीक है, सब लोग। अब हम बात करें दोस्तों, पर ब्लड ग्रुप दो चार के कितने होने वाले, 8। किस तरह होंगे उसको हम लोग यहाँ जानते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है अच्छे से, कि बायोलॉजी जो चीज़ हमको रिप्रेजेंट करती है, या हम लोग चीज़ों को जब रिपोर्ट कराने जाते हैं, ऐसी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, तो उसमें हमें एक बात नज़र आती है कि कोई भी चीज़ अगर है, मतलब हमने अगर कोई चीज़ होगी तो वो लक्षणों को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब वो पॉजिटिव, वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब वो अपने सिम्टम्स को, अपने लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करती है। तो पहला तो सिंपल सी भाषा में ये समझना है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास इस टॉपिक को जो डिस्कवर किया गया था, जितने भी वैज्ञानिक थे, तो इसको हम लोग आरएच कारक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, सर ये बात हमारे पास 1944 ईस्वी की है। ठीक है, अगर इसकी डिस्कवरी की थोड़ी हिस्ट्री देखें हम लोग, तो इसमें एक चीज़ निकल के आती है, इसकी खोज के बारे में जब सवाल होता है, तो 1940 ईस्वी में दो वैज्ञानिक थे दोस्तों। एक का नाम क्या था, कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था, एक का नाम कार्ल लैंडस्टीनर था, और एक का नाम था दोस्तों एलेक्जेंडर एस बीनर। ठीक है, एलेक्जेंडर, और दूसरा क्या नाम है दोस्तों उसका, एलेक्जेंडर एस बीनर। तो एक तो कार्ल लैंडस्टीनर हो गए, और एक कौन हो गया दोस्तों, यहाँ पर मीनर हो गए। इन्होंने एक मका का रिसर्च, बंदर का, बंदर तो बंदर रख दिया, क्या नाम था उसका, मका। इस मैंने उस दिन फोटो भी दिखाया था आपको, तो मका का रिसर्च नाम का एक बंदर था। ठीक है, उस बंदर के आरबीसी में, मका का रिसर्च नाम का जो बंदर है, इसकी जो आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर क्या हुआ कि कुछ विशेष प्रकार के पार्टिकलों को देखा गया। ठीक है, आरबीसी के अंदर यहाँ कुछ विशेष प्रकार के, देखा गया विशेष प्रकार के एंटीजन को, देखा गया एंटीजन को, देखा गया। अब क्योंकि विशेष इसलिए था, अब तक हमने जितने भी एंटीजन देखे थे दोस्तों, वो दो ही थे, एक कैपिटल ए था, कैपिटल बी था, और उसी के आधार पर हमने कितने ब्लड ग्रुप को डिसाइड कर दिया था दोस्तों, 4। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर इन एंटीजन के अलावा, क्योंकि एक ही रिप्रेजेंटेशन हम लोगों सारी बताई थी, बी की रिप्रेजेंटेशन उस तरह का देखी थी, ए अगर होगा एंटीबॉडी नहीं होगा, बी है तो ए होगा, ए बी है तो कोई नहीं होगा, तो इस तरह का चार्ट हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, तो उसको आप एक बार ना। अब इसको विशेष कहने के बाद एक दाद करके आती है, और इसी एंटीजन का, ठीक है, हम लोगों ने कहा इस एंटीजन का नाम, इसका इसे क्या कहा गया, इसे क्या कहा गया दोस्तों, इसे इस एंटीजन को डी एंटीजन कहा गया। क्या कहा गया, डी एंटीजन कहा गया, जिसको देखा गया उसका नाम क्या कर दिया, डी एंटीजन इसको कहा गया। अब ये बात आपको आनी चाहिए कि डी एंटीजन को कहा गया है, नाम दिया गया है, इसी डी एंटीजन को इस मका का रिसेस बंदर के नाम के आधार पर, देखो इसका नाम क्या है, मका का, ठीक है, RHESUS, ठीक है, मका का रिसेस, यहाँ से आर एच जो नाम है दोस्तों वो यहाँ से आता है, इसलिए इसे ही दोस्तों, इसे क्या कहा गया, इसे आर एच फैक्टर या आर एच कारक कहा गया। ठीक है, आर एच कारक या आर एच फैक्टर इसको कहा गया। तो ये एक बात आपको यहाँ अच्छे से याद रखनी है कि किसको हमने आर एच कारक कहा दोस्तों, इसको हमने आर एच कारक कहा इसके बंदर के नाम के आधार पर, कहीं पेपर में इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन हो, डी एंटीजन ही दोस्तों आर एच कारक होता है। ठीक है, आर एच कारक हम किसको कहेंगे, डी एंटीजन को हम लोग आर एच कारक के नाम से जानते हैं। तो पहला हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है। अब आर एच कारक के आधार पर जिसमें ये चीजें डिस्कवरी की गई थी ना, उसका भी मैं आपको बता दूं, ये जो रीसस बंदर मैंने आपको उस दिन भी बताया था दोस्तों, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो हमारे पास है ना, इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इसको साइड में बैठा देते हैं, इस बंदर की बात कर रहे हैं जिसकी आरबीसी में सारी चीजें देखी गई है। अब आरएच कारक के आधार पर दोस्तों हमारा जो ब्लड ग्रुप है ना, उसको दो भागों में बांट दिया।
उपस्थिति पे माना, डी एंटीजन की उपस्थिति पर, डी एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर इसे कितने भागों में डिवाइड कर दिया दोस्तों, दो। इसमें कैसे कर दिया दोस्तों, पहला हमने कहा डी एंटीजन, पहला वाला इसका टाइप आता है डी एंटीजन है, हमने कहा डी एंटीजन उपस्थित है, एक तो इसकी प्रेजेंट अगर रहेगी उपस्थित है तो दोस्तों आरएच को मैंने कहा था अगर बीमारी है तो वो कैसा शो करेगी, पॉजिटिव, तो ये आरएच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डी एंटीजन नहीं है, अगर बीमारी नहीं है तो अपने लक्षणों को शो नहीं करेगी, इसका मतलब हो गया यहाँ पर हम लोग एक चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डी एंटीजन यहाँ पर नहीं है, मतलब क्या है, अनुपस्थित। ये अगर अनुपस्थित है तो इसका मीनिंग बनता है दोस्तों आर एच नेगेटिव, इसका मतलब ये हो गया यहाँ डी एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर हमारा आर एच कारक को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसमें होगा वो पॉजिटिव है, नहीं होगा वो नेगेटिव है। तो ये सी बात हमारे पास यहाँ आ गई। अब देखो सुनो, तुम्हें एक बात निकल के आई कि ज्यादातर लोग देखे गए तो वो पॉजिटिव वाले देखे, अब तक ये देखा गया था, फिर हमारे पास मनुष्य जो है दोस्तों उसकी आरबीसी को चेक किया गया, ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदरों में ही पाया जाता है, ऐसा नहीं है, ये दोस्तों मनुष्यों के अंदर भी पाया जाता है। तो ये भी चीज हम लोगों को यहाँ पर नजर आई और उसमें एक निष्कर्ष निकाला गया कि ये हमारे अंदर भी ये उपस्थित होता है, ठीक है। इस आधार पर हमारे ब्लड ग्रुप का आगे दोस्तों हमने जब इस चीज को देखा तो यहाँ पाया गया कि हमारे जो ब्लड ग्रुप थे दोस्तों ए बी और ए वाले, तो हमने देखा ए अगर ब्लड ग्रुप, एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और मैंने कहा जिसमें डी एंटीजन है, अगर जिस व्यक्ति के अंदर डी एंटीजन है मैंने टिक कर दिया होगा, तो अगर दोस्तों मैंने कहा डी एंटीजन इसमें नहीं है, जिस व्यक्ति में डी एंटीजन नहीं है, अगर जिसमें डी एंटीजन है का मतलब पॉजिटिव होगा, और उसके साथ हम ए पॉजिटिव और क्या लिख सकते हैं दोस्तों आर एच पॉजिटिव, अगर जिसमें नहीं है वो क्या हो जाएगा ए नेगेटिव एवं क्या हो जाएगा आर एच नेगेटिव। पहले एक को लिखना सीख लीजिएगा, मैंने कहा नहीं है तो नेगेटिव आएगा ही, और नेगेटिव आएगा तो ए के ऊपर भी क्या आएगा नेगेटिव, ए नेगेटिव है और उसके साथ आर एच पॉजिटिव नहीं हो सकता, कहीं आपको कंफ्यूज कराने के लिए कभी ऐसी कोई सुन ले रहा, ठीक है, एक आपको याद रखना है। दूसरा आप यहां पर याद रखोगे क्या, दूसरा ब्लड ग्रुप बात करें हम लोग बी की, बी जब आता है तो इसमें भी हमारे पास वही रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ए एंटीजन वाला गेम हो गया और क्या हो गया हमारे पास डी ये वाला एंटीजन, वही एक में दोस्तों उपस्थित है एक में नहीं है, होगा तो इसको हम बी पॉजिटिव बोलेंगे, अदरवाइज तो क्या बोलेंगे आर एच पॉजिटिव, अगर हम लोग होगा तो बी नेगेटिव और हमारे पास इसको आर एच नेगेटिव। सी की बात करें दोस्तों यहाँ पे सॉरी थर्ड नंबर पर बात करें ए बी आ गया, ए बी वाले में भी हमारे पास एक में डी एंटीजन प्रेजेंस है और एक बार इसमें क्या है दोस्तों इसकी एबसेंट है, ठीक है, एक में प्रेजेंट एक में एबसेंट, तो ये हमारे पास एक क्या हो जाएगा इसका ए बी पॉजिटिव हो गया और हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों आर एच पॉजिटिव और हमारे पास ए बी नेगेटिव और दूसरा कौन सा हो जाएगा आर एच नेगेटिव। अब एक बच गया दोस्तों फोर्थ नंबर पे, सबसे लास्ट ओ है, ओ के अंदर भी वही जो सेम चीज इसके लिए रिपीट होगी जो सबके लिए कर रहे हैं, एक में दोस्तों ये है प्रेजेंट होगा एक में ये एबसेंट होगा, एक तो बात आपको ये याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ओ पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया आर एच पॉजिटिव, उसके बाद हम लोग देखते हैं ए नेगेटिव और हमारे पास क्या हो जाएगा आर एच नेगेटिव। अब ये बात हमको पता लग गई दोस्तों इसके इनके माध्यम से कि ये सारी चीज़ हो रही है, इस आधार पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ के साथ साथ इनको आगे जब देखते हैं हम जो चेक करवाने जाते हैं तो वो पॉजिटिव में हमारा शो करता है या नेगेटिव में शो करता है। सवाल ये आता है कि पास अब पहले हमने जब पढ़ा था मैंने आपको जो लास्ट क्लास में देखा था कि सार्वत्रिक दाता कौन सा होता है, वो होता है, और सार्वत्रिक या सर्वग्राही कौन होता है, भी होता है, लेकिन यह सवाल चेंज हो गया है। अब यहां से आपसे जब सवाल पूछेगा तो आपको आंसर क्या करना है दोस्तों, इसको नोट लगा के लिख लेना, यहां पर अलग केस बन गया कि अब इस केस में सर्वग्राही, ठीक है, यूनिवर्सल जो एक्सेप्टर होता है यहां पर सर्वग्राही आएगा। एक तरीका और बताता हूं, अगर दोस्तों किसी भी ब्लड ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लग रहा है, अगर जैसे ओ के ऊपर नेगेटिव लग रहा है तो पक्का आरएच के ऊपर नेगेटिव ही लगा होगा, कभी पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ भी गई होगी। और अगर मैं कहूं ग्राही की बात करेंगे दोस्तों इसमें तो ये ओ हमारे पास इसमें ओ नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें ओ की जगह आर ए बी पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा ए बी पॉजिटिव और क्या आएगा आर एच पॉजिटिव। अब आपसे कहेगी सर्वदाता देने वाला, ठीक है, सभी को रक्त देने वाला कौन होता है, इसमें ओ नेगेटिव और क्या आएगा दोस्तों आर एच नेगेटिव, ठीक है। तो ये बात और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये नोट, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से आपको सवाल आना तय है, आपको सभी को ये मालूम चल गया होगा किस तरीके
हमारे पास किस प्रकार से हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, किस प्रकार से हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, इस आरएच कारक की उपस्थिति के आधार पर हम ये सब चीजें डिसाइड कर पाते हैं कि ये सारी चीज हमारे पास हो रही है। अब इस आरएच कारक कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हमारे को दुष्प्रभाव होता है, और वो दुष्प्रभाव क्या है, उस दुष्प्रभाव की वजह से एक रोग होता है जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिसिस। ठीक है, अब उसको देखते हैं, हेडिंग लगा लीजिएगा आप सभी लोग, एक रोग है दोस्तों जिसका नाम है एरिथ्रो, ठीक है, एरिथ्रो ब्लास्टो, एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिसिस, फिटेलेसिस। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में दोस्तों चाहे हम लोग कहेंगे कि मान लीजिएगा दोस्तों ये पिताजी हैं, फादर हैं, ये कौन है दोस्तों, माता। ठीक है, फादर एंड मदर, दो चीजें हो गई हमारे पास। अब दो चीजों में हमको एक चीज नजर आती है कि मान लीजिएगा पिता दोस्तों कैसा होना चाहिए, आरएच पॉजिटिव, और माता कैसी होनी चाहिए, आरएच नेगेटिव। इसका अर्थ समझ लो आप कि ब्लड ग्रुप कोई सा ही हो सकता है, लेकिन जो फादर होगा ना, मेल होगा या बॉय होगा जो भी, उसके अंदर दोस्तों ब्लड ग्रुप कैसा होगा, इसका पॉजिटिव होगा, चाहे ए पॉजिटिव हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ हो। मदर के अंदर आरएच आरएच डी एंटीजन उपस्थित नहीं होगा। इस केस में अगर दोस्तों इनसे जो संतति होती है, तो जो पहला बेबी होता है, फर्स्ट संतान, तो कैसी होती है, स्वस्थ। फर्स्ट संतान कैसी होती है, स्वस्थ, लेकिन फर्स्ट के बाद जितनी भी बच्चे होंगे वो सारे की सारे क्या हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। कारण और वो मृत्यु होने की जो रोग है जिसकी वजह से ये हो रहा है, उसी रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिसिस। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, सवाल ये कि ये ऐसा क्यों। देखो इसके बाद दोस्तों, इसके बाद की जो सभी संतान है, बाद की, यहां लिख देते हैं हम लोग, बाद की सभी संतानों की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, अब इसका मैं लॉजिक आपको देता हूं, समझा। ठीक है, इसको समझो, मान लीजिएगा दोस्तों हमने कहा यहां पे इस तरीके से दोस्तों, ये कौन है, मां। अब दोस्तों ये माँ है, और इसके गर्भ में दोस्तों यहाँ पर कौन है, बेबी। ये दोस्तों कौन है, बेबी, ये गर्भनाल है हमारे पास, और इसको कवरिंग करके ये है, ये दोस्तों इसका क्या है, ये हमारे, मान लिया दोस्तों ये भ्रूण है। अब सुनना, मैंने कहा कि दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार के लक्षण है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब पॉजिटिव का मतलब आपको समझा देता हूँ दोस्तों, अगर कहीं आरएच पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये कैसे लक्षण होते हैं दोस्तों, प्रभावी, कैसे होते हैं, प्रभावी लक्षण। आपने आनुवंशिकी में चीजों को पढ़ा होगा, नवी दसवीं के अंदर एक चीज आती है, और एक होता है दोस्तों अप्रभावी, इसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा, एक प्रभावी लक्षण होता है और एक कैसा होता है, अप्रभावी। प्रभावी वो होता है जो अपने प्रभाव को या अपने लक्षणों को प्रदर्शित करता है, और अप्रभावी जो होता है जो अपने लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करता। बात समझ ला, जो अपने लक्षणों को प्रदर्शित करे, और एक ऐसा जो अपने लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करे। तो ये अपने लक्षणों को प्रदर्शित करता है, मतलब अगर साथ में तो ये दिखाई देगा ना कि ये दिखाई देगा, है ना। मैंने कहा अगर दोस्तों पिताजी का, अगर दोस्तों ब्लड ग्रुप कौन सा है, पॉजिटिव है, माता का कौन सा है, नेगेटिव है, तो बेबी जो होगा ना, इसमें दोस्तों हमने कहा बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा है दोस्तों, नेगेटिव है, बेबी जो होगा दोस्तों प्रभावी अप्रभावी से में से जीत किसकी होती है, पॉजिटिव की। ठीक है, तो आपको बात याद रखनी अच्छे से, तो बच्चा कैसा होगा दोस्तों, पॉजिटिव। अब पहले बच्चे का दोस्तों जब जन्म होता है, जब डिलीवरी होती है, या पहले बच्चे की प्रसव प्रक्रिया संपन्न होती है, तो उस केस में एक चीज आती है कि यहां से जैसे दोस्तों इसका, हमारे पास हम लोग कह रहे थे कि इसका जन्म होगा, उस केस में दोस्तों फर्स्ट बेबी तो हो जाएगा, लेकिन इसके जन्म प्रक्रिया के दौरान कुछ अमाउंट ब्लड की दोस्तों किसमें चली जाती है, माँ के अंदर गर्भनाल के माध्यम से अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से माँ के शरीर में कौन इंटर कर जाता है, यहाँ पे दोस्तों माँ के शरीर में कौन इंटर कर गया, आरएच पॉजिटिव, क्वारंटर करके आरएच पॉजिटिव, जबकि मां के शरीर में ब्लड कैसा है, नेगेटिव, आरएच नेगेटिव है ना। तो ये दोस्तों, ये जो नेगेटिव एंटीजन है, इसके खिलाफ दोस्तों इस बच्चे का तो जन्म हो गया, अब ये मां को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये क्या करते हैं दोस्तों, इसके चारों ओर, अब ये नेगेटिव है ना, अब दोस्तों ये क्या करेंगे, देखो ये आगे का जो प्रोसेस होगा उसमें क्या प्रक्रिया होगी, देखो उसको मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, इसको ये यहाँ पर हमारे पास चीज हो रही है इस तरीके से। अब माँ के शरीर में क्या करेंगे दोस्तों, ये आरएच पॉजिटिव जब यहाँ आ गया, तो इसके खिलाफ कार्रवाई करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट। यहाँ पर बहुत सारे, ये बहुत अधिक संख्या में दोस्तों आरएच नेगेटिव, आरएच नेगेटिव, आरएच नेगेटिव, इसके खिलाफ में सारे लोग क्या बना लेते हैं, इसके खिलाफ में दोस्तों एंटीजन, ठीक है, इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध यहाँ पर क्या बना लेते हैं, इसके विरुद्ध, इस, ये कलर नहीं दिखेगा ना, ये कलर नहीं दिख रहा है आप लोग को, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर एच नेगेटिव, आर एच नेगेटिव, आर एच नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी दोस्तों क्या हो गया, आर एच नेगेटिव और आर एच नेगेटिव, मतलब इसके विरुद्ध में क्या बना लेंगे, ये एंटीजन, इसके विरुद्ध में एंटीजन का निर्माण कर लेते हैं।
एंटीजन का निर्माण ये कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब ये इतने सारे एंटीजन इसके खिलाफ बना लेंगे तो आगे क्या होगा दोस्तों, ये पहली प्रेगनेंसी थी, ये कौन सी थी, पहली प्रेगनेंसी थी, अगली जो प्रेगनेंसी होगी, अगली वाली, अगला जो बेबी होगा दोस्तों, सेकंड जब प्रेगनेंसी होगी, तो पहली प्रेगनेंसी और दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में चाहे कितना ही गैप मेंटेन किया हो, 1 2 3 साल, जो भी, ये मां को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगला जो बेबी प्रेगनेंस होगा दोस्तों, तो उस अवस्था में हम क्या कहेंगे दोस्तों, इस अवस्था में इस बेबी को दोस्तों ये लोग है ना, यही की यही क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्यों, अंदर कौन है दोस्तों, पॉजिटिव, जबकि तो इसके खिलाफ हमारा करता है। और अब इम्यूनिटी में क्या होता है, कोई भी चीज हमारे शरीर में अनवांटेड दिखती है तो उसको नष्ट कर देता है हमारा ये सिस्टम पूरा की पूरा। तो दोस्तों ये सेकंड जो बेबी हो जाता है, इसकी क्या हो जाती है, गर्मी क्या हो जाती है, डेथ। आगे बात समझ में, तो ये फंक्शन हमारे पास कहाँ होता है, इस जगह हम लोग चीजों को देखेंगे, तो ये फंक्शन हमको यहाँ पे दिखता है। तो इसी रोग को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोफोरेटोसिस। अब बात ये आती है कि अगर ये रोग हो गया, अगर ऐसा है, तो अगर ऐसी कोई इंसिडेंट हो चुकी है कि ब्लड यहाँ एंट्री, ये सब जानकारी डॉक्टर को पता लग जाती है, तो इसका कोई बचाव नहीं है क्या भाई, इसका कोई बचाव तो होना चाहिए। तो दोस्तों इसके बचाव के लिए हम, अगर उपचार अगर हमसे पूछे तो आप क्या करोगे दोस्तों, उपचार की जब बात आती है तो उपचार में सबसे आपको ध्यान रखना है, प्रथम प्रसव प्रक्रिया के बाद, प्रथम प्रथम प्रसव प्रक्रिया के बाद, प्रक्रिया के बाद बात याद रखने, प्रथम प्रसव प्रक्रिया के बाद देखना, 72 घंटे के अंदर, कितना दोस्तों, 72 आवर्स के अंदर एंटीजन का, ये बात याद रखना, एंटीजन का क्या लगेगा दोस्तों, इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। अब इसके लगाने से क्या होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर ये इंजेक्शन लगाना है तो इससे क्या होगा, देखो सुनो, मामने कहा था दोस्तों, ये अगर मान लीजिएगा माँ के अंदर दोस्तों आरएच पॉजिटिव पहुंच गया है, और हमने दोस्तों इसके अंदर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हम चाहते हैं कि जो डी एंटीजन इसके अंदर माँ के अंदर जो डी एंटीजन गया है, उस एंटीजन को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, खत्म। तो हमने ऐसा ही दोस्तों इस डी एंटीजन के खिलाफ में एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे दोस्तों ये कब खत्म कर दिए, सब प्रक्रिया के तुरंत बाद ही हमने इंजेक्शन लगा दिया, विदिन 72 आवर, जिससे कि आगे अगर प्रेगनेंसी होगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही तो बात हमको समझने की थी कि अगली प्रेगनेंसी में हमको कोई ये दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है। यही रोग दोस्तों इसके बचाव का क्या है, कारण है। अब देखो सुनो, मैं इसके कुछ फिगर दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना इनको, हम लोग चीजों को देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी चीज काम की है। देखो यह एक फिगर है दोस्तों, इसको आप लोग चीजों को समझना, इसके माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस फिगर में एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी, ये दोस्तों मदर है, ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप कैसा है, नेगेटिव है, ये प्लेसेंटा है जिसके माध्यम से, और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होने की वजह से दोस्तों इस बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको डायग्राम ये दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है इस पे बैकग्राउंड इसका वैसा है ना, व्हाइट, तो ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पहली प्रेगनेंसी हो रखी है, ये क्या लिख रहा है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये चीजें हो रही है कि जैसे ही इसका जन्म होगा, तो आप दोस्तों ये एंटी जो आरएच एंटीजन है, ये कहाँ चला गया, माँ के अंदर, इसके खिलाफ दोस्तों यहाँ ने इसने क्या बना ली, ये इसके खिलाफ बन गए दोस्तों एंटी आरएच एंटीजन बॉडी, ठीक है। अब ये अगली प्रेगनेंसी होगी तो ये रेड कलर के इस बेबी को क्या करेंगे दोस्तों, मार देंगे। यही रोग दोस्तों क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोफोरेटोसिस, ठीक है, ये सेकंड प्रेगनेंसी है। दोनों प्रेगनेंसीज के बीच का जो टाइमिंग होता है, वही टाइमिंग इसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इसमें क्योंकि इनका नंबर है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। तो इसमें ये बात आपको समझ में आ रही है, और देखो इसका एक फिगर, इसमें हम लोग चीजों को देख सकते हैं आराम से, हमको जो चीज या और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि यहां जो फंक्शनिंग है दोस्तों, इस चीज को लेकर के हमको देखो, इसके अंदर भी सारी चीजें इसी तरीके से रिप्रेजेंट हो रखी है। आप इसमें भी देख सकते हो कि हमारे पास, देखो यहां हमको दो चीजों को समझाया हुआ है, एक सेकंड रुकना, या दो चीजों को समझाया हुआ है, ये जेनेटिक्स के आधार पर चीजें हैं। यहां एक हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है कि जैसे ये हमारे पास लक्षण है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, उसमें होता है ना जैसे लंबे पौधे बौने पौधे, तो उसमें से प्रभावी प्रभाविता को दिखा रखा है, और वही चीज तो मैंने समझाई थी आपको। प्रभावी लक्षण क्या होता है, प्रभावी मतलब जो अपने, प्रभावी वो होता है जो अपने लक्षणों को क्या करता है दोस्तों, प्रदर्शित करता है।
लक्षणों को क्या करेगा, ये प्रदर्शित करता है। और जबकि अप्रभावी क्या होता है, अप्रभावी अपने लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करता। इसमें आप लोग एक चीज देख सकते हो, ये प्रदर्शित क्या करेगा, नहीं करेगा, तो इसमें प्रदर्शन इसका नहीं होगा। तो ये बात, एक सेकेंड, प्रदर्शन इसका नहीं होगा यहाँ पे, ये प्रदर्शित नहीं करता, बस इतना डिफरेंस होता है। हमने वही कहा दोस्तों, ये मदर है, मदर का ब्लड कैसा है वो इस डायग्राम की बात ही, ये सारी चीज, ये पॉजिटिव है। फादर, दो बच्चे का हमारे पास ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखो ये दोस्तों, जैसे ही इसके अंदर इसका बेबी होगा तो इसका दोस्तों ये प्लेसेंटा को डिस्कनेक्ट करेंगे, तो इस माध्यम से ये RH बॉडी कहाँ डेवलप हो जाती है, अंदर चली जाती है, और अंदर चली जाती है तो इसके खिलाफ यहाँ पर हमारे पास एंटीबॉडीज का बनना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पर RH नेगेटिव एंटीबॉडीज का बनना प्रारंभ होगा, तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर जब बेबी होगा तो इस कंडीशन में दोस्तों देखो, ये क्लम्पिंग ऑफ रेड हमारे पास ब्लड सेल, मतलब ये जो हमारी RBC होती है उसको चारों ओर से कवर कर लेता है, RBC जो होती है उसको चारों ओर से क्लैंपिंग कर लेंगे और धीरे धीरे करके उसको पूरा क्या कर देंगे दोस्तों, नष्ट कर देंगे। तो ये चीज हमको समझ में आनी है कि अच्छे तरीके से आपको चीजें पूछे तो उस तरीके से याद रखना कि ये हमारे पास जो केस होता है वो इस प्रकार से सारी चीजें होती है, और यहां पर हमारी जो RBC है वो क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। इसीलिए इसको एरिथ्रो, एरिथ्रो का कारण क्या होता है, RBC को क्या बोलते हैं, और ब्लास्टोसिस का मतलब बहुत सारी चीजें हो जाना, और फिटलेस मतलब गर्भकाल अवस्था में, फिटस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वजह से इस रोग का नाम क्या हो गया, एरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। अब सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो आपको इसमें कोई चीज ऐसी हो जो आपको दिक्कत कर रही हो, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। अक्सर सवाल दोस्तों यहां से आता रहता है कि निम्न में से, क्वेश्चन ऐसे आएगा, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक क्या है दोस्तों, दाता। इस प्रकार का अगर सवाल दिया है, सार्वत्रिक क्या है दोस्तों, दाता है। अब सुनो, हमको अगर सीधा सीधा सवाल अगर ऐसे दिया होता, मान लो ए ओ बी करके, तो हम लोग कर ही लेते हैं। यहां पर हमारे पास ए पॉजिटिव है दोस्तों, कौन सा है, ए पॉजिटिव नहीं, यहां पर एक तो हमको ब्लड ग्रुप दिया है दोस्तों ए बी पॉजिटिव, और कौन सा दिया है, RH पॉजिटिव, एक तो हमको ऑप्शन ये दिया है। दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे, एक हमारे पास ए बी नेगेटिव है, और कौन सा है दोस्तों, हमारे पास RH नेगेटिव है। सी ऑप्शन की बात करेंगे, ओ पॉजिटिव है, और दोस्तों हमारे को क्या दिया गया है, हमारे पास RH पॉजिटिव है। और डी ऑप्शन की बात करें, ओ नेगेटिव है, और हमारे पास क्या है, RH नेगेटिव है। सवाल ही हो गया। अब यहां से एक बात हमको नजर आती है दोस्तों, अगर हमसे सवाल पूछेगा, एक ऑप्शन और बनाता हूं मैं जो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा, ये पता वैसे सब आपको है, ए बी पॉजिटिव हो गया, हमारे पास RH पॉजिटिव हो गया, सी दोस्तों हमारे पास बी ऑप्शन हो गया, ए बी नेगेटिव हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, RH नेगेटिव हो गया। सी ओ पॉजिटिव, और हमारे पास क्या हो जाएगा, RH नेगेटिव। और डी ऑप्शन, हमारे पास एक ऑप्शन को यहां से रिलीज कर दो आप, ठीक है, यहां से हम रिलीज करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ओ नेगेटिव एवं RH नेगेटिव, और यहां पर हमारे पास ओ नेगेटिव, ये हमारे पास इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, नेगेटिव, ठीक है। अब बताओ, यहां से अगर सवाल आपसे पूछा गया, इस तरह का सवाल है कि हमारे पास यूनिवर्सल, हमारे पास डोनर है, ठीक है, देने वाला है, उसमें इसमें तो आप देखो देने की बात आती है तो हम लोग दोस्तों किसको आगे कर देते हैं, ओ को, और हमको पता है ओ मतलब देना हो गया एक तरीके से, या हम लोग करेंगे दोस्तों, तो यहां पॉजिटिव तो होता नहीं, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहां पर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, हमारे पास ये आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर किसी के ऊपर ये चीज लग रही हो, ओ नेगेटिव है, तो पक्का इसका दोस्त कौन होगा, RH नेगेटिव होगा, ना कि RH पॉजिटिव, इस पे इसका दोस्त नहीं होगा, मतलब इसके साथ ये नहीं लिखा जाएगा। अगर दोस्तों ओ पॉजिटिव दिया हुआ है तो इसका दोस्त कौन नहीं बनेगा, नेगेटिव नहीं बनेगा, कौन बनेगा, पॉजिटिव इसका दोस्त हमेशा बनेगा, ठीक है। तो यहां आप लगाओगे दोस्तों, ये तो आप बिल्कुल ही नहीं लगाओगे, इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे, इनमें दोनों में कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखना, जिसमें हमने नेगेटिव पॉजिटिव वाली थ्योरी से कैंसिल इसको कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव से इसको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास कौन सा चीज बचेगा दोस्तों, ओ नेगेटिव और RH नेगेटिव। तो इस प्रकार से हमारे ब्लड ग्रुप को RH फैक्टर के आधार पर कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया दोस्तों, भागों में डिवाइडेड कर दिया गया, ठीक है, ये बात आपको आ गई। अब इसमें हम एक चीज अच्छे समझ सकते हैं, कोई छोटा मोटा अगर सवाल आता है हमारे सरफेस लेवल से, तो हम आसानी से इस सवाल का जवाब दे देंगे, चाहे कोई सा ही जनरल कॉम्पिटिशन हो, हम लोग जिस स्ट्रक्चर की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बेस्ट यहां से ब्लड ग्रुप से सवाल आना तय है दोस्तों, ठीक है। अगर किसी चीज को लेकर के कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट, ठीक है, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब आप लोग दोस्तों अगले लेक्चर में तैयारी करो जोश और जुनून से, ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन
और हमारे यहाँ पर नया बैच शुरू हो गया, तो आप सभी लोग यहाँ पर अपनी सीट को सुरक्षित।